नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। अब वजह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि लगातार सिद्धू की तरफ से भी सुर जो है वो तेज किए जा रहे थे, पर जैसे ही कैप्टन ने इस्तीफा दिया तो ऐसा लग रहा था कि अब जो बात है जो बिगड़ी हुई सी लग रही है, बगावत के सुर जो तेज हो रहे हैं, तो शायद अब ये बात संभल चुकी है। और जिस तरीके से एक दलित चेहरे को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ऐसे में ये भी लग रहा था कि सीएम जरूर चन्नी को बना दिया गया है, पर सुपर सीएम जो है वो सिद्धू ही रहेंगे। और उसके साथ ही कि जो सिद्धू की नाराजगी चल रही है वो भी कम हो गई है, पर ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। कोई बड़ी स्टेटमेंट जारी हो सकती है दिल्ली जाते? मेरा नहीं ख्याल कोई यही गल कोई हो, कोई यही गल नहीं है जी। थैंक यू। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे, तो आपको बता दें कि सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। अब देखना यह होगा कि ये कोई दाव है, कोई चाल है सिद्धू की तरफ से, या फिर कोई नाराजगी जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया है। कई मायने इस इस्तीफे के, अब इस इस्तीफे से क्या मायने सामने निकल कर आते हैं, क्या वजह है इस इस्तीफे की, ये भी जानना बेहद जरूरी है, बेहद अहम है, क्योंकि सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। अब ऐसे में क्या ये है कि सिद्धू जो है वो इस पद से इस्तीफा देकर क्या चाहते हैं, ये भी अहम सवाल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए कैप्टन एक और तो दिल्ली गए और दूसरी तरफ सिद्धू का इस्तीफा, क्या मायने निकाले जा रहे हैं? कि बहुत बड़े मायने हैं। हाल ही में सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा इसीलिए दिया गया था, और उन्होंने खुद जब सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर निकल कर आई। ऐसे में अब सिद्धू का इस्तीफा बहुत बड़ा डेवलपमेंट दे चुका है। आगे देखना होगा कि इस्तीफा उन्होंने खुद दिया है, किस बात से नाराज होकर दिया है, क्योंकि चंद्रजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री भी इसीलिए बनाया गया था कि उसमें नवजोत सिंह सिद्धू की हानि थी, नहीं तो चन्नी से पहले तमाम तरीके के नाम यहाँ पर आए थे। कैप्टन अमरिंदर ने ऐसा क्या पासा यहाँ पर पलटा है, ऐसा क्या पासा फेंका है कि सिद्धू को यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा, तमाम चीजें हुई, और चरणजीत सिंह चन्नी जो है उनके कहने पर ही यहाँ पर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे तमाम चीजें थी। देखना होगा कि क्यों इस्तीफा दिया, क्या वजह थी, और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। बिल्कुल अदिति, और जिस तरीके से बात सामने आ रही थी नया सीएम पंजाब में बना दिया गया, तो अब तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब में शायद अब सब कुछ ऑल इज वेल है, पर जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है तो वो तो यही बयां कर रही है कि ऑल इज नॉट वेल। बिल्कुल, देखिए पिछले 3 महीने से 4 महीने से पंजाब में कुछ नथिंग वॉज वेल, पर सवाल ये था कि सिद्धू के चलते ये सारा ड्रामा किया गया, और अब सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, सिद्धू ने तमाम तरीके की बातें भी की थी, तो सोनिया गांधी को उन्होंने इस्तीफा किस वजह से दिया, क्या कुछ दिया, और बस अब एक ही बात की चिंता सोनिया गांधी के स्तर पर थी, वो ये थी कि कैप्टन अमरिंदर क्यों पार्टी से कटे कटे हैं और क्यों ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा सब ठीक था, चन्नी और सिद्धू साथ मिलकर काम कर रहे थे, ऐसी तस्वीरें साफ नजर आ रही थी, और चन्नी को भी कहा गया था कि आप संगठन के साथ काम करिए। इनफैक्ट हरीश जो वहां के प्रभारी था अजितावत, उन्होंने तो इतना तक कह दिया था कि चुनाव में कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू के बिल्कुल। अदिति, जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, एक और कैप्टन जो है वो दिल्ली गए हैं, उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज है, तो वहीं दूसरी ओर सिद्धू का इस तरीके से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना अपने आप में कई सियासी मायने दे रहा है, और साथ ही कई चर्चाएं जो है वो भी तेज हो गई इसी के साथ। पर ये मायने क्या है, और ये जो इस्तीफा है क्या वो एक्सेप्ट कर लिया गया है? देखिए ये अभी पता करना होगा, उन्होंने फिलहाल अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया गया है, लेकिन सवाल है कि प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को बैलेंस लगातार कर रही थी, अब सोनिया गांधी से समझना होगा, ये तमाम बातें समझनी होंगी कि क्या कुछ हुआ है, क्यों इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा दिया है तो क्या वो इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया है, और उसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू का यहाँ आना, इन तमाम चीजों के लिए बिल्कुल। अदिति, एक सवाल ये भी है कि जो सीएम है वो चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया गया, पर कहा ये जा रहा था कि सुपर सीएम जो है वो सिद्धू ही होंगे, पर ऐसे में क्या सिद्धू को लगा कि वो सुपर सीएम की पद पर नहीं है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि वो अब सीएम बनने की जिद पर वापस से अड़ गए हैं, उसी को लेकर ये इस्तीफा दिया है? नहीं, मंत्री पद का जो मंत्रिमंडलीय विस्तार है
उसमें कहीं ना कहीं सिद्धू की बातचीत नहीं मानी गई होगी और कहीं ना कहीं सिद्धू से ये सिद्धू चाहते होंगे कि कई ऐसे और भी जो अलग नेता हैं जो उनके खुद के समर्थक हैं वो बने मंत्री, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया होगा और इसी के टसल में उनको अब चन्नी से भी उनकी दूरियां बढ़ने के आसार ऐसे सुनाई दे रहे थे। ऐसे में अब नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया, शायद उनको ये लग रहा है कि वो खुलकर काम नहीं कर पाएंगे और ऐसे में वो पार्टी को नहीं जिता पाएंगे। लेकिन सवाल घूम फिर से ये आता है कि जो स्ट्रॉन्गली राहुल गांधी ने डिसीजन लिया, चाहे वजह कोई भी हो, लेकिन क्या राहुल गांधी द्वारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया वो बैकफायर कांग्रेस को कर बैठेगा क्या? बिल्कुल अदिति, पर इसी के साथ एक अहम सवाल ये भी कि पंजाब में कांग्रेस का अब आखिर भविष्य क्या होगा, क्योंकि जो दो लीडिंग चेहरे माने जा रहे थे अब वो दोनों ही कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं। मैं आपको उनका जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है वो पढ़ के यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ, समझते हैं कि क्या उनके ग्रीवेंसेस हैं। बिल्कुल, उन्होंने 28 सितंबर को जो है लेटर 28 सितंबर से जारी डाली है, सोनिया गांधी ऑनरेबल प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा है, बोला रिस्पेक्टेड मैडम, द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉल, I can never compromise on Punjab's future and the agenda for the welfare of Punjab. Therefore, I hereby resign as the president of Punjab Pradesh Congress Committee. Will continue to serve the Congress. With warm regards, yours sincerely, Navjot Singh Sidhu. मैं एक बार फिर उन शब्दों पर आपको फोकस कराऊंगी। Compromise, उन्होंने कहा कि अगर compromise कर दिया तो एक इंसान का character झुक जाता है, collapse हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे पंजाब के भविष्य के साथ और जो एजेंडा वेलफेयर का है पंजाब का उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इस पत्र से साफ जाहिर होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो करना चाहते थे अपने विजन के साथ वो उनको नहीं किया करने दिया जा रहा, बस बशर्त है आयुषी कि उनके लिए इतना सब कुछ किया गया, लेकिन उनके लिए मुख्यमंत्री को हटाया गया, उनकी वजह से दूसरे मुख्यमंत्री नहीं बने, चन्नी को बनाया गया, उसके बावजूद अब उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं कर सकता और यही वजह है कि मैं पंजाब के फ्यूचर के साथ भी ये नहीं होने दूंगा और जो एजेंडा है पंजाब की बेहतरी का वो फुलफिल नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने एक लाइन लिखी है कि विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस, यानी मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के लिए हूँ, लेकिन मैं प्रेसिडेंटशिप से इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। देखिए सिरफिरे सिद्धू तो हैं ही, जो सोचते हैं वो बोलते हैं और कर बैठते हैं। अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की बहस चल रही है कि क्या राहुल गांधी ने जिसके लिए ये सब किया उसने जो ये बैकफायर किया विदाउट ब्रिंगिंग प्रियंका एंड सोनिया इन कॉन्फिडेंस और विदाउट ब्रिंगिंग राहुल गांधी इन कॉन्फिडेंस, ये सही है क्या? क्योंकि अगर कोई इशू थे तो उसे बात करके सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ये कहा जा रहा है या उनके लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैंने बहुत कोशिश की, जब से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो है बना हूँ, प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, तब से मुझसे खुलकर काम नहीं किया जा रहा, पहले कैप्टन अमरिंदर और अब जो फैसले लिए जा रहे हैं वो प्रदेश के हित के लिए नहीं थे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी भरी हुई है इस लेटर में, कहीं ना कहीं दुख भी दिख रहा है इस लेटर में, और साफ उन्होंने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, यानी वो जो चाहते हैं वो काम नहीं हो रहा है था इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सवाल एक बार फिर यही है कि क्या वो दिल्ली आते, प्रियंका सोनिया राहुल से बात करते और फिर ऐसा करते? तो अब ऐसे में जहां पर चुनाव सिर पर है उसके बाद आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या अकाली को कितना बड़ा एज मिलता है, बादल को कितना बड़ा एज मिलता है ये देखना होगा, क्योंकि जो ये कांग्रेस का ड्रामा है ये खत्म ही नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में जो हलचल है, सियासी घमासान जो मचा हुआ है, तो वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो शांति नजर आ रही थी पंजाब में वो किसी तूफान से पहले की शांति थी। आपको एक और अपडेट दे दें कि जो केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल कल पंजाब में होंगे और पंजाब में प्रचार के साथ अपनी संगठन टीम को मजबूत करेंगे। आपको बता दें
तीन बड़े आज की अपडेट, पहला कैप्टन अमरिंदर के। बिल्कुल अदिति, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त।